हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थ के साथ स्टार्ट किया जाएगा जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू। ठीक है, क्लास 9th या 11th वाले जो हैं इसका आप ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो आराम से देख सकते हैं। इसमें हम स्टार्ट करेंगे जंतु कोशिका के बारे में। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, एक एक टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, क्योंकि इस वाले पोर्शन से देखा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन टिश्यू से पूछता है। ठीक है, और इसमें एक टॉपिक रहता है और जैसे कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू रहता है उस पर क्वेश्चन पूछता है, और एक यहाँ पर नर्वस टिश्यू जो आपका तंत्रिका तंत्र है उसके बारे में पूछता है। ठीक है, चलिए हम इस पर आपको बताएंगे जंतु कोशिका। ठीक, जंतु कोशिका के बारे में आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए देखिए क्या लिख रखा है। ठीक, तो पहले थोड़ा सा इसे यहाँ कर लेते हैं, कलर थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं, यहाँ से करते हैं। ठीक, देखिए लिखा है जंतु कोशिका यानी एनिमल टिश्यू। अब टिश्यू की परिभाषा सुन लिए। जब एक समान रूप की कोशिका, एक समान रूप से कोशिका जब क्या करती हैं, बनती हैं, तो पहले देखो क्या बनता है। पहले देखा जाए तो क्या बनता है, कोशिका बनता है। ठीक, उसके बाद आपका ऊतक बनता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या देखा जाए, देखा जाए तो अंग बनता है। तो अंग बनता है। ठीक, अंग नहीं अंश नहीं लिखते, अंग बनता है। उसके बाद देखा जाए तो हमारी पूरी शरीर बन जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से देखा जाए तो आपका एनिमल टिश्यू में ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जो ऐसे ग्रुपिंग होती है। ग्रुप मतलब समूह बनता है तो हमारा शरीर बन जाता है। ठीक है, थोड़ा सा कलर। ठीक, तो देखा जाए कार्यों के आधार पर जंतु कोशिका कितनी प्रकार की होती हैं। कार्यों के आधार पर जंतु कोशिका 4 प्रकार की होती हैं। पहला देखा जाए तो हमारा थोड़ा सा लाइट इंक्रीज कर लिया जाए। चलिए, लाइट थोड़ा सा इंक्रीज की गई है। ठीक, इसमें देखा कोशिकाओं के यानी कार्यों के आधार पर जंतु कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। उसमें हम आज केवल इपिथेलियल टिश्यू को ख़त्म करेंगे, फिर अगले में मिलेंगे आपका, सॉरी, हाँ, ये भी ख़त्म करेंगे, और एक जो है आपका यानी संयोजी कनेक्टिव टिश्यू भी आपका ख़त्म करेंगे। ये दो दो धीरे धीरे पढ़ा जाएगा तो मज़े के साथ आराम से। जो भी पढ़िए एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर होकर पढ़िए। ठीक है, उसके बाद पेशी ऊतक होते हैं, उसके बाद तंत्रिका ऊतक होते हैं। ठीक, इन सबको बारी बारी से आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम पहला ले रखा है इपिथेलियल टिश्यू। ठीक, नाम से ही पता, ईपी मतलब सबसे ऊपर होता है। ठीक, किसी भी चीज अंदर हमारे आर्गेन, तो उसके ऊपर लेयर बनाएगा। लिखा है क्या, इपिथीलियल ऊतक शरीर को ढकने तथा बाहर रक्षा से यानी बाहर रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। मतलब बाहरी जो भी इन्वायरमेंटल हमारा वातावरण, उससे हमें बचाने का काम करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी यानी उस स्थिति मतलब लोकेशन ऑफ इपिथीलियम टिश्यू कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, इसमें देखा जाए यह ऊतक समस्त शरीर पर एक रक्षात्मक आवरण के रूप में मिलता है। मतलब हमारी जो स्किन है वो आप समझिए क्या है, एक तरह का इपिथेलियल टिश्यू है। इपिथेलियल टिश्यू नहीं है, ही टिश्यू इपिथेलियल टिश्यू ही है। ठीक है, अब लिखिए क्या लिखा, यह त्वचा के सबसे बाहरी आवरण बनाता है। ठीक, देखिए अब यहाँ लिख दिया। तीसरा पॉइंट देखा जाए तो शरीर के अंदर यदि देखा जाए तो बहुत से ऐसे अंग और गुहिकाओं का ढका होना हो। जैसे देखा जाए तो आपका ये स्टमक ऐसे होता है। ठीक, स्टमक ऐसे होता है तो इसके ऊपर ऐसे एक लेयर बना देते हैं। ठीक है, लेयर बना देते हैं जिससे हमारा स्टमक खुद नहीं डाइजेस्ट होता है। ठीक है, सुने होंगे आप, कहते हैं कि हम कुछ भी मांस वगैरह कुछ भी खा लें तो हमारा पेट डाइजेशन कर देता, मगर हमारा खुद पेट ही किसका बना, मांस का बना, मगर वो खुद को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इपिथीलियम टिश्यू एक लेयर बनाती है जिससे हमारा क्या होता है, प्रोटेक्शन मिलता है हमारे पेट को। ठीक है, इसी यही था ये। अब देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, लिखा जाए त्वचा, मुंह यानी आहार नाल, रक्त वाहिनिकाएं के भीतरी, फेफड़ी की कुपिकाओं मतलब फेफड़ा की जो अलगुलाई है जहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है, मतलब आदान प्रदान होता है, वहाँ पर भी पाई जाती हैं। वृक्क नलिकाएं मतलब जो हमारी किडनी की नली होती है उसमें भी पाई जाती हैं। आदि सभी जगह क्या पाई जाती हैं, इपिथीलियल टिश्यू पाई जाती हैं। ठीक, तो ये इपिथीलियल का था, ये इसकी विशेषता थी। ठीक, यानी कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, अब इसकी विशेषता थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या विशेषता है और इसका कार्य देख लेते हैं। ठीक है,
कार्य देख लेते हैं। चलिए आते हैं इस पे। तो भाई साहब ठीक, देखिए क्या दिया, ध्यान से आप देखिएगा तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए, लिख रखा है एपिथेलियल की विशेषताएं। वो हमारी क्या थी देखा जाए तो, वो आपका स्थिति थी। विशेषताएं क्या होती, एपिथेलियल ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती है। ठीक है, एक दूसरे के सटी होती हैं, ये अनवरत अनवरत परत का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। दूसरा देखा जाए, इस ऊतक की परतों के बीच चिकनी चिकनी वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान कम होता है। कोशिका मतलब क्या होता है, एक स्थान, दो कोशिका, तीन कोशिका, चार कोशिका, इनके बीच में जो स्थान होता है वो कम पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतर आणविक रिक्त बोलते हैं। ठीक है, ये रिक्तिका बोलते हैं। ठीक है, तो ये वो उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक, देखा जाए ऊतक को एक बाह रेशेदार आधार झिल्ली के उसके नीचे नीचे रहने वाले ऊतक से अलग करता है। कहने का मतलब उसी को बेसमेंट कहते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका न्यू ऐसे बन रहा है, ठीक, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट यानी आधार बोलते हैं। इसी के ऊपर आपका कोशिका ऐसे प्रजेंट रहेगा। ठीक है, ऐसे प्रजेंट रहेगा, इसके अंदर ऐसे न्यूक्लियस रहेगा। ठीक, इसी तरह से कोशिका उसमें रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा कार्य देख लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के कार्य देखा जाए तो क्या होते हैं, जो सामान्य पदार्थों के यानी पदार्थों के शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकालने का काम करता है, प्रोटेक्शन बताया गया ना, मतलब सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, ये एपिथेलियल की परत से होकर गुजरता है, जिसके फलस्वरूप एपिथीलियम के बीच में क्या हो जाता है, एक बाहरी वातावरण से बचने का एक सबसे आदान यानी बाहरी वातावरण से बचने का सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ कार्य थे। ठीक, अब इपिथीलियल ऊतक के प्रकार देख लेते हैं। इपिथीलियल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, ये जंतु ऊतक में चार प्रकार के होते हैं। अब अ जो पढ़े हैं इपिथीलियल, उसमें देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें देखा जाए तो इपिथीलियल तो देखा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं, टोटल हमें चार छः पढ़ना है। ठीक है, छः पढ़ना, तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला दे रखा है हमें, ठीक है, देखिए इपिथीलियल ऊतक के प्रकार यानी टाइप ऑफ इपिथीलियल टिश्यू। ठीक है, पहला हमारा दे रखा है सरल सल्की इपिथीलियम, मतलब सिंपल सिंपल स्क्वाइमस इपिथीलियम, मतलब कौन सा शेप रहेगा, स्क्वाइमस, जाहिर सी बात नाम से ही पता है स्क्वायर शेप का रहेगा। ठीक है, लिखिए क्या लिखा, सल्क सल्क यानी सरल सिल्की इपिथीलियम की चपटी तथा प्लेट के समान षष्ठकोणी कोशिकाओं की बनी होती है। देखिए यहाँ से दे आपका ये है। ठीक, ये डायग्राम दे रखा है, आप डायग्राम ऐसे देखिए, नीचे जो दे रखा है यही आपका आधार है। ठीक, इसी पे देखो क्या थी, ऐसे ऐसे सेल को बना रखा है, उसके बीच में न्यूक्लियस यानी केंद्रक बना रखा है। ठीक, केंद्र जब सेल है तो जाहिर सी बात उसके अंदर केंद्रक रहेगा ही। ठीक है, तो देखो क्या दिया, एक एक कोशिकाएं फर्श पर लगी टाइल के समान प्रतीत होती हैं। देखिए फर्श के लगी टाइल के समान प्रतीत होती हैं। सरल सल्की इपिथीलियम अत्यधिक पतली और चपटी होने के कारण कोमल अस्तरी का निर्माण कराती हैं। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं देखा जाए तो, ये आहार नाल, मुंह के अस्तर, मतलब हमारी जो मुंह है, ठीक है, जो हमारा आहार नाल जाता है, ये जो देखिए जो खाना, जिसमें खाना अंदर जाता है, जैसे मुंह से पेट में जाता, उसमें क्या पाया जाता है, सरल सल्की इपिथीलियम पाया जाता है। ठीक है, और देखा जाए दूसरा नंबर की बात कर ली जाए तो क्या होती हैं, ये देखो क्या दिया, स्ट्रेसिफाई मतलब तक यानी अस्तरती सिल्की इपिथीलियम यानी स्ट्रेटिफाई स्क्वाइमस इपिथीलियम होती है। अब ये क्या करती हैं, इस प्रकार की इपिथीलियम सल्की इपिथीलियम की कई परतें बना लेती हैं तथा त्वचा में मिलती हैं। ठीक है, यानी त्वचा में मिलती हैं, जैसे हमारे त्वचा का होता है बहुत लेयर से बनकर बनी है, इसकी ऊपरी परतें मृत इपिथीलियम कोशिकाओं की बनी होती हैं, जब त्वचा को काटने तथा फटने से बचाने में मदद करते हैं। ठीक है, बहुत हमको हेल्प करता है। ठीक है, अब लिखिए, कई प्रकार के पैटर्न होने के कारण से इन्हें क्या कहा जाता है, अस्तरित सिल्की इपिथीलियम भी कहा जाता है। ठीक, यानी इपिथीलियम का पहला प्रकार सरल सल्की इपिथीलियम, दूसरा यानी अस्तरी सिल्की एपिथीलियम। ठीक, ये दो प्रकार के होता है। ठीक, तीसरा क्या दे रखा है, इसके बारे में थोड़ा सा और डायग्राम के साथ देखते हैं। ठीक है, ठीक, ये देखिए क्या दे रखा है, यानी कॉलुमनर, नाम से ही पता, स्तंभाकार, स्तंभाकार मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे स्तंभ बनाएगा।
ठीक है, अस्थम्भकार हम देख लेते हैं। ठीक, अस्थम्भकार यानी कॉलमरल इपिथीलियम, ये लंबी इपिथीलियम कोशिकाओं की बनी होती हैं। देखिए ये लंबी लंबी बनी है ना, देखिए एक बनी है, दो बनी है, ऐसे ऐसे बहुत सारी बनी हैं। यानी देखिए क्या, ये आँख के भीतरी स्तर पर मौजूद होती हैं। ये स्वतंत्र रूप से अंगुली की समान यानी माइक्रोविलाई बनती है, जो आँख में अवशोषण को बनाने का काम करती है। जैसे पेट ही का मान लेते हैं, ठीक है, देखिए ये आपका ऐसे यहाँ से हम कर देते हैं पेट के बारे में, ठीक। तो ऐसे देखिए क्या होती है, ऐसे बहुत सारी विलाई प्रेजेंट होती है, जिसे माइक्रोविलाई कहते हैं। छोटी छोटी होती है, इसलिए क्या बोल दिया गया, माइक्रोविलाई, जो ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण में मदद करती है, मतलब सोखने में मदद करती है, ठीक। उसके नीचे एक का छोटा सा आपका डायग्राम है, ज़्यादा नहीं पोथा नहीं लिखना, थोड़ा थोड़ा लिखना, मगर सटीक सटीक पॉइंट को लिखना है, ठीक। तो ये तीसरा था। चलिए अब आते हैं किस पे, तीसरे बाद हम चलते हैं चौथे पे, ठीक है। चौथे पे क्या लिख रखा है, सीलिएटेड कॉलुमनर इपिथेलियम, मतलब उसमें क्या रहेगा, कॉलुमनर भी रहेगा, उसके ऊपर सीलिया भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। जैसे यानी सीलिएटेड कॉलुमनर इपिथेलियम, जिसे हम क्या कहते हैं, पचाम्भी अस्थम्भाकार इपिथेलियम। इस प्रकार की इपिथेलियम कोशिकाएं की सतह पर बाल जैसी संरचना होती है, ठीक। मान लेते हैं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसी के ऊपर क्या है, ऐसे ये आपका देखा जाए तो सेल मतलब ऊतक है, इसके ऊपर कहता है ऐसे बाल लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक, बाल लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। देखते हो कहाँ पर पाया जाता है, जैसे श्वास नली में, श्वास नली में क्या है पाया जाता है, मान लेते हैं हम बाहर से जितने भी हवा जा रहे हैं, ठीक है, हवा जा रहे हैं तो उसमें क्या धूल धक्कड़ है, तो उसे ट्रैप करने के लिए ये बाल होते हैं, ठीक। देखिए क्या दिया, बाल अच्छा गति करने में मदद करते हैं, इनकी श्लेष्मा में लगी स्थानांतरित करने में, साफ करके, देखो साफ करने का काम करती है, जैसे आराम से हमारा जो हवा जाता है अंदर साफ एकदम से जाता है। इपिथेलियम नसोपथों में और श्वास नलिकाओं में, अंडवाहिनिकाओं में, मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, ठीक है, गर्भाशय में, उसमें पाया जाता है, ठीक। मूत्र नलिकाओं में भी ये सिलिएटेड मिलता है, ठीक, सिलिएटेड कॉलुमनर इपिथीलियम मिलता है, ठीक। तो ये था इसका चौथा। चलिए हम आते हैं किस पे, पांचवे पे आते हैं, ठीक है। पांचवा और छठवा देख लेते हैं, पांचवा देख लीजिए क्या दी जाए, तू रेज दवाई, ठीक। पांचवा देख रखा है, पांचवा क्या दे रखा है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। लिख रखा है यानी घनाकार, मतलब क्यूब के शेप में रहेगा। देखिए ये घनाकार इपिथीलियम से बनकर कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है, ठीक, तथा वृत्त नलिकाओं में, लार ग्रंथियों में, तथा आपके यानी जनदोष या जर्मिनल इपिथीलियम बनाने में मदद करती हैं, ठीक। ये इसके बारे में था, लार ग्रंथियाँ वगैरह जो होती हैं इसी यानी क्यूब के शेप में बनी होती हैं, ठीक। और इसी का एक है गले यानी ग्लैंडुलर यानी ग्रंथी इपिथीलियम टिश्यू, ग्रंथी इपिथीलियम टिश्यू, ठीक है। इसके बारे में आप सुनिए, देखिए क्या रखा है, ग्रंथी इपिथीलियम टिश्यू, पहले इसे इरेज कर देते ये वाला पोर्शन, देखते ये ग्रंथि इपिथीलियम कोशिकाओं के, जो ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में अतिरिक्त विशेषण अर्जित होती हैं, ठीक। देखो विशेषण अर्जित होती हैं, इपिथीलियम सतह की पर पदार्थ का श्रवण करती है, मतलब कोई चीज़ है तो उसे क्या नहीं निकालने का काम करती हैं। कभी कभी ये क्या करती है, इपिथीलियम कुछ भाग के अंदर की ओर मुड़ जाती हैं और एक बहुत सारी ग्रंथियों का निर्माण करा देती हैं। अब जो पढ़े हैं पचवा चौथा, पचवा पहला दे रखा है, देखो यहाँ से, ठीक, इसके देखिए क्या होता है, इसके ऊपर ऐसे सीलिया प्रेजेंट है कि नहीं, सीलिया प्रेजेंट है, कहाँ पर पाया जाएगा ये भी बता दिया। घनाभाकार, ये देखो घन के रूप में है। तीसरा दे रखा है ग्रंथली इपिथीलियम टिश्यू, इतने तुम्हारे टिश्यू हैं, ठीक। किसके, जो अब हम पढ़े हैं, पहला पढ़े हैं इपिथीलियम टिश्यू, उसके बारे में था, ठीक। अब हमारा क्या होगा, इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू आएगा, जो बहुत ही मज़ेदार होगा, ठीक। चलिए कनेक्टिव टिश्यू पर चलते हैं, ठीक। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता है, तो संयोजी ऊतक जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ये किसी न किसी को जोड़ने में मदद करेगा, क्या, किसी न किसी को जोड़ने में मदद करेगा। जैसे ये ऊतक शरीर के भीतरी सतह पर बांधने तथा जोड़ने का कार्य करते हैं, सुरक्षा, सहारा, दृढ़ता आदि प्रदान करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से कुछ कनेक्टिव टिश्यू का करेक्टर, मतलब क्या होते हैं, जैसे हमारे शरीर में कोई चीज़ बांधना है तो उसे करेंगे, हड्डी, हड्डी बांधना, हड्डी से क्या करना, हमारी जो मसल है उसे बांधना है, हमारे जितने भी अंदर के ऑर्गेनिल है जैसे पेट है, हार्ट है, तो ये सबको बांध के रखने का काम कम करता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इसी को पढ़ना, इसकी विशेषताएँ देख लेती हैं थोड़ा सा, संयोजी ऊतक की विशेषताएँ होती हैं, इनमें कोशिकाएँ कम संख्या में होती हैं, ठीक है, इनमें कोशिकाओं की संख्या कम होती है। दूसरा,
ये कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतः कोशिकीय स्तर यानी मैट्रिक्स में धंसी होती हैं। मतलब क्या कह रहा है, मतलब एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल दूर दूर थोड़ा सा बनाते हैं, ठीक। एक सेल हो गया, एक सेल, दो सेल, तीन सेल। अब इसमें क्या करिए, दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है, कलर ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऐसे मैट्रिक्स भरा होता है, जैसे यानी ईंटा होता है, ईंटा के बीच में क्या होता है, भर देते हैं सीमेंट। उसी तरह से ये भी कोशिकाएं होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, धंसी होती हैं। अधात्री जैली की तरह, देखो जैली की तरह तरल, सघन तथा कठोर हो सकती हैं, ठीक। ये इतने तरह की हो सकती हैं, ठीक। अब इसमें देखा जाए, यानी टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या करती हैं, इनके बारे में सुनिए। टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में इतना है, रक्त को पढ़ना है, रक्त व रुधिर को, अस्थियाँ को, इससे यानी क्या होता है, स्वायु यानी स्नायु या टन यानी हम क्या बोलते हैं, कंडरा बोलते हैं, उपस्थिति यानी उपस्थिति है भी। इंग्लिश समझेंगे तो कुछ देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। छह तरह के इसे आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए हम आते हैं पहले, सबसे पहले ब्लड पे आते हैं, ठीक है। ब्लड पे आते हैं तब देखते हैं ब्लड, ब्लड क्या कह रहा है, अब ब्लड का काम देखते हैं, ठीक। ब्लड क्या होता है, जिसे रुधिर यानी रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक। इसकी एक बूंद स्लाइस को लेकर सूक्ष्मदर्शी के देखने पर निम्न प्रकार के मिलते हैं, जैसे सुने होंगे, कहते हैं आरबीसी बढ़ गया, डब्ल्यूबीसी घट गया, प्लेटलेट घट गया, ऐसे सुने होंगे, ठीक। प्लाज्मा हो गया खराब, ऐसे सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत पाई जाती हैं। लिखिए, रुधिर में एक तरल अघाती भाग मैट्रिक्स होता है, जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक। इसी में क्या होता, लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी, दूसरा देखा जाए WBC, तीसरा हो गया प्लेटलेट निलंबित होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन, लवण तथा हार्मोन भी होते हैं, ठीक। इतने सारे चीज इसके अंतर्गत होते हैं। अब हमारा क्या होगा, ब्लड का कार्य देख लेते हैं, ठीक। फंक्शन ऑफ ब्लड, देखिए ये क्या करता है, गैसों को, मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में चला गया ऑक्सीजन, वो लंग्स में गया, लंग्स उठा के क्या दिया, हार्ट को दिया। हार्ट क्या करता है, वो ब्लड को पंप करता है हमारे अंदर, यानी ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ट्रैप करता है ऑक्सीजन को, पकड़ के क्या करता था, सेल कोशिका से कोशिका ले जाने पर मदद करता है, ठीक है। देखिए, पचे हुए भोजन पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करना, हार्मोन उत्सर्जी पदार्थों के शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करना, ठीक। ये सब ब्लड ही का काम होता है, शरीर के समस्त भागों के ऊष्मा का यानी वितरित करना होता है, ठीक। ये सब इसके बारे में थे, ठीक। अस्थियां मतलब बोन, हड्डी, हमारे स्केलेटल सिस्टम, बोन ना होती तो चोमू के बाद अभी आप पढ़े रहते हैं, ठीक। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा, बोन, अस्थियां एक संयोजी ऊतक होती हैं जो पंजर यानी कंकाल का निर्माण करने में मदद करती हैं। अस्थिया की आधारती यानी क्या होता है, फास्फेट और कार्बोनेट यानी कैल्शियम फास्फोरेट और कैल्शियम कार्बोनेट तथा ओसिन नामक प्रोटीन के कारण बहुत सख्त होती हैं। अब कोई पूछेगा क्या हमारी हड्डियां बहुत मजबूत होती, क्यों, यानी इसमें क्या होता है, फास्फेट, कार्बोनेट तथा ओसिन नामक प्रोटीन होता है, जिसके कारण से ये हार्ड होती हैं और हमारा क्या होता है, बहुत सख्त होती हैं, ठीक। ये हमारी क्या होती हैं, देखिए अघाती अस्थियाँ कोशिकाएँ धंसी होती हैं, ठीक। ये था अस्थियाँ के बारे में यानी बोन के बारे में। बोन का थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं और एक डायग्राम छोटा सा, ठीक है। ये आपका सामने ये अस्थि का यानी देखो कर दिया, ये इसका डायग्राम है, ठीक। अब ऐसे बना सकते हैं, इसके अंदर मैट्रिक्स होता है, बेसोफिल, ग्रेन्यूल, ये सब सारी चीज़ें होती हैं बोन में ही, मतलब क्या होता है, बोन मैरो होता है जहाँ पर खून का निर्माण होता है, ठीक। तो ये देखिए क्या था, ये पंजर का निर्माण कर शरीर का आकार बनाती हैं, शरीर का आकार तो बना ही रही हैं, ठीक। दूसरा, पेशियाँ और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा प्रदान करती हैं, ठीक है। देखिए नीचे दे रखा है, अस्थि मज्जा की कोशिकाएं रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, ठीक। जो हमारी बोन होती है उसी के अंदर क्या अस्थि मज्जा पाया जाता है, जिससे हमारा क्या बनता है, खून बनने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बारे में यहाँ से देख लिए हैं, ठीक। अब और थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आपका नियली पोर्शन खत्म हो जाएगा। लीगामेंट, आप याद रखें लीगामेंट और टेंडान के बारे में। देखिए यदि देखा जाए तो आपका ठीक है, देखा जाए तो देखो ये क्या कहते हैं, संयाजी ऊतक बहुत ही लचीला मजबूत तंतुमय ऊतक होते हैं, इसमें कम आघात्री होते हैं, जो दो अस्थियों को जोड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। देखिए आप कोई पूछे लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है, जब दो हड्डी मतलब बोन से
मतलब बोन से बोन टू बोन अटैचमेंट होता है तो कौन करता है? ये लिगामेंट वाला पोर्शन। क्या दोबारा बताना, ये लिगामेंट वाला पोर्शन क्या करता है? बोन से बोन टू बोन जोड़ने में, जोड़ने में मदद करता है। एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ी है विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से? लिगामेंट की मदद से। दूसरा टेंडान में क्या याद रखना है? जो बोन से बोन टू मसल, बोन टू क्या होती है? मसल को अटैचमेंट कौन करता है? टेंडान करता है। ठीक है, यानी बोन से हमारे मसल को कौन अटैच करता है? ये टेंडान करता है। इतना केवल यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ दिया, ये पॉइंट इसे अंडरलाइन करके लिख लीजिए। ये डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम से आ सकते हैं। ठीक, तब आते हैं कि इस पे कार्टिलेज पे आते हैं। ठीक है, कार्टिलेज पे आते हैं। ठीक, कार्टिलेज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद ये नियरली नियरली पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। कार्टिलेज क्या दे रखा है? एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जो बीच, यानी सिंपल सा समझिए क्या करने का मतलब। इसमें देखिए कहाँ पर पाया जाता है, क्या कहाँ होता है। हड्डी हमारी क्या होती है? स्ट्रांग है। अस्थि कार्टिलेज यानी उपस्थियाँ होती हैं, ये हड्डी की कम तुलना में देखा जाए तो क्या होती हैं? सॉफ्ट, मतलब मुलायम होती हैं। जैसे कान देखेंगे तो क्या है वो? कान सॉफ्ट है। नाक यानी नाक की जो ऊपर वाला टिप वाला पोर्शन है वो देखिए क्या है? सॉफ्ट है। ठीक, हमारी यहाँ जो फूड पाइप जा रही है, ट्रेकिया बोला जाता है, वो भी देखो क्या सॉफ्ट है। तो इन सब जगहों जैसे देखिए क्या दिखा उपस्थित? नाक, कान, कंठ, श्वास नलिका में क्या क्या पाई जाती है? कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक, अब यहाँ से आपका अंतर दे रखा है। ठीक, ये अंतर ये नहीं रखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, एक अंतर छोटा सा आपको लेकर आया जाएगा, अच्छा अंतर लेकर आया जाएगा। उसमें ऐसे कॉलम बना दिया जाएगा, एक तरफ हो जाएगा बोन और एक तरफ उपस्थियां यानी कार्टिलेज हो जाएगा। उसमें आप डिफाइन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में था। चलिए और कुछ देख लेते हैं यहाँ से। ये आपका एडिपोज टिश्यू, ठीक नहीं सॉरी एरिगुलर टिश्यू है। पांचवा एरिगुलर टिश्यू क्या कहता है इसके बारे में सुनिए। ये शरीर के विशिष्ट रूप में पाए जाने वाले ऊतक होते हैं। ठीक, इसमें जिलेटिन व कोमल होते हैं। ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच में पाते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लेते हैं ये हड्डी हो गई, ठीक, और यहाँ से आपका क्या हो गया? एक्चुअली मसल हो गया, और इसके जस्ट ऊपर ये क्या हो गया? स्किन हो गए। ठीक, इनके बीच में अटैचमेंट जो ऐसे ऐसे होता है तो ये कौन करता है? एरियोलर टिश्यू करते हैं। कौन? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। देखिए क्या लिख रखा है, देखिए क्या दिया था। ये देखो कहाँ पर पाई जाती? त्वचा तथा मांसपेशियों के बीच में पाई जाती, रक्त नलिकाओं के चारों ओर पाई जाती, अंगों के बीच में और अस्थि मज्जाओं के बीच में भी एरियोलर टिश्यू पाए जाते हैं। एरियोलर टिश्यू के खाली जगह भरा होता है और ये आंतरिक अंगों को सहायता प्रदान करता है। ठीक, और समस्त अंगों को भी क्या करता है? रोकने का काम करता है। कहने का मतलब क्या कर रहा है? देखिए मान लेते हैं ये पेट है, कोई ना कोई ऐसे आर्गन पकड़ के इसे रखा होगा ना, नहीं तो बताओ खाना खा लेते तो इधर कहीं नहीं चला जाए, दौड़ देते हैं। तो ठीक, तो ये सब चीज़ जो होता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला टोट पोर्शन होता है, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है जो पकड़ के रखता है कि हमारा पेट इधर उधर न चला जाए। ठीक, चलिए ये था इसके बारे में, आप फोटो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं 9वें नंबर पे, सॉरी छठे नंबर पे, और इसका ये वाला पोर्शन यहाँ से देखिए क्या। एडिपोज टिश्यू वसा के संचय करने के लिए यानी वसामय ऊतक होते हैं। ठीक, इसे हिंदी में देखा जाए तो वसामय टिश्यू होते हैं। यह ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों में पाए जाती हैं। ठीक, और ये क्या करती हैं? ये काम करती हैं। ठीक, अब इसका कार्य नीचे दिया है, देखिए क्या करती हैं। ये वसा गोलिकाओं के रूप में अतिरिक्त वसा को संचित करती हैं। वसा संग्रहित करने के कारण यह उष्मी कुचालक होते हैं, और जैसे हृदय हो गया, वृक्क हो गया, नेत्र गोलक धंसे जीव भी धंसे होते हैं, उसके अंदर ये तुम्हारा क्या पाया जाता है? एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। और नीचे आपका यहाँ से डायग्राम था। ये था टोटल आपका यानी कनेक्टिव टिश्यू और हमारा संयोजी ऊतक और हमारा एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, इसके बाद हम मिलेंगे पेशी ऊतक, मतलब मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक, तब तक के लिए बाय, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी।